प्रकाश की किरण गमन करती है। आंसर ए सीधी रेखा में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आंसर डी कांच में मोटरगाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आंसर बी उत्तल दर्पण मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आंसर सी अवतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आंसर बी काल्पनिक लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। आंसर ए डायोप्टर प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। आंसर ए किरण आरेख 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांस्तर होता है। आंसर डी 50 सेंटीमीटर किसी उत्तल लेंस का फोकांस्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। आंसर डी +2D प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। आंसर बी किरण पुंज उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आंसर बी धनात्मक अवतल लेंस की क्षमता होती है। आंसर ए ऋणात्मक उत्तल लेंस को कहते हैं। आंसर ए अभिसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। आंसर सी अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आंसर डी मिट्टी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आंसर बी उत्तल किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आंसर बी अवतल प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। आंसर बी 2 जब प्रकाश की किरण हवा से कांस में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। आंसर बी अभिलंब के निकट
फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। आंसर ए उत्तल लेंस साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। आंसर बी उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। आंसर बी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आंसर सी निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आंसर डी उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आंसर बी अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आंसर बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। आंसर ए सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आंसर ए दो। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। आंसर बी अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। आंसर सी अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। आंसर सी +100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। आंसर ए दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। आंसर बी दो। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। आंसर ए sin I/sin R। एक उत्तल लेंस होता है। आंसर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आंसर डी VYU। गोलीय दर्पण में फोकांस्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आंसर ए R=2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। आंसर ए अवतल दर्पण का उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है।
आंसर बी वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। आंसर ए बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। आंसर सी गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। आंसर सी उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। आंसर बी ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आंसर डी मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। आंसर बी प्रकाशित केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? आंसर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? आंसर ए 1/v + 1/u = 1/f। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? आंसर ए सी निर्वात में प्रकाश की छाल है। आंसर ए 3 × 108 ms। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आंसर ए अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। आंसर ए कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। आंसर बी अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आंसर बी आभासी एवं सीधी। उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आंसर बी आभासी एवं सीधी। अवतल दर्पण के मुख फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आंसर सी अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आंसर सी अनंत पर। अवतल लेंस के मुख फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आंसर बी प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आंसर बी फोकस पर।
अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आंसर डी, फोकस पर। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात। आंसर बी, सात रंगों में विभक्त हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। आंसर बी, निर्गत किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है। मुख अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात। आंसर डी, निर्गत किरण मुख अक्ष से दूर जाती है। आई होप अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।